नमस्कार साथियों, एक बार फिर आज हम हरियाणा की धरती अंबाला में मौजूद हैं और अंबाला में आज हमारे साथ क्रिश्चियन लीडर और क्रिश्चियन समाज सेवक कह लीजिए हमारे साथ मौजूद हैं आपके सामने प्रदीप मसीह उर्फ प्रदीप गुलाटी जी। मैं बहुत बहुत स्वागत करूंगा सर आपका अपने चैनल में। धन्यवाद। और आज का सवाल खास करके सर है कि समस्त भारत में, मैं उत्तर प्रदेश की केवल बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हरियाणा और पंजाब की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं समस्त भारत की बात कर रहा हूँ कि आज समस्त भारत में अल्पसंख्यक समुदाय, खासकर ईसाई समुदाय और मुस्लिम समुदाय पर इतने अत्याचार क्यों हो रहे हैं? देखिए, ये अत्याचार करने वाले जाने भी वो क्यों कर रहे हैं अत्याचार, लेकिन उनको कम से कम ये जरूर ध्यान रखना चाहिए कि हर इंसान ने मरने के बाद अपना हिसाब तो जरूर देना है। बिल्कुल, परमेश्वर उनसे, ऊपर वाला उनसे ये हिसाब तो लेगा। चलो, विरोध होना चाहिए। अगर कोई आदमी, मैं अगर गलत हूँ तो मेरा विरोध होना चाहिए, और अगर कोई आदमी गलत है तो उसका विरोध होना भी चाहिए। बिल्कुल। और ऐसे भी नहीं है कि अलग अलग धर्मों के अंदर कोई सारे अच्छे लोग होते हैं, कुछ बुरे लोग भी होते हैं, लेकिन उस सजा तो बुरों को मिलनी चाहिए ना। बिल्कुल। उनके साथ वो अच्छे लोग भी अगर उसमें पीस रहे हैं, वो उनको, उनके साथ भी जुल्म कर रहे हैं, ये तो एक बहुत बड़ी गलत बात है। कम से कम ये तो देखें भाई, अगर कोई आदमी गलत नहीं है तो उसके साथ तो गलत ना किया जाए। अब तो ये देख ही नहीं रहे। बिल्कुल। हमारी क्रिश्चियनिटी के ऊपर ले लो, बताइए, पास्टर किसी के घर में प्रार्थना करने गया होता है, उठा के कुछ बजरंग दल के लोग आ जाएंगे, कुछ आरएसएस के लोग आ जाएंगे कि भाई ये पादरी धर्म परिवर्तन करा रहा था। अब भाई ये तो बताइए, वो पादरी धर्म परिवर्तन उसकी कोई मशीन लेकर आया था अपने साथ? बिल्कुल। अगर किसी ने उसे अपने घर में प्रार्थना के लिए बुलाया है तो वो यीशु मसीह को मानता होगा। बिल्कुल। देखिए, आर्टिकल 25 के अंदर एक अधिकार दिया गया था, भीमराव अम्बेडकर जी ने जब संविधान लिखा था, हर धर्म को अपने अपने मानने की आजादी है, मानने की आजादी है, वो जिस मर्जी देवी देवता की आराधना कर सकता है। एक पूजा पद्धति तो अलग अलग है। बिल्कुल। और तो कुछ नहीं है, कोई गुरु ग्रंथ साहब के आगे माथा टेकता है, कोई पीर पे जाके माथा टेकता है, कोई मंदिर में घंटियां बजा के पूछता है, और कोई चर्च में जाके कैंडल जला के पूछता है। तो अपनी अपनी जब आजादी, उस आजादी का हनन क्यों किया जा रहा है ये? बिल्कुल। और क्रिश्चियनिटी का खास तौर से। बिल्कुल। सर, एक और सवाल है मेरे पास कि कई जगह के जो पासवानों से मैं मिला हूँ, और खासकर क्रिश्चियन समुदाय और मुस्लिम समुदाय से भी मिलता हूँ, तो मैंने यहाँ पर देखा कि सबसे अधिक क्रिश्चियन समुदाय ही सताया जा रहा है, परेशान हो रहा है। कई बार उनके आराधना स्थलों को बंद कर दिया जा रहा है कट्टरपंथियों द्वारा। पुलिस प्रशासन भी इस काम में समर्थन दे रही है कि भाई आप परमिशन लो। कई थानेदारों से मैंने सवाल किया तो उन्होंने कहा परमिशन लो, परमिशन ये देते नहीं है। एसडीएम के पास जब पास्टर जाता है तो एसडीएम टालमटोल करते हैं, डीएम टालमटोल करते हैं, फिर थाने में जब पास्टर जाता है तो उसे दबाव बना के, उसे डरा धमका के चर्च बंद करवाने का पूरा ठेका आज इन लोगों ने ले लिया। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? सर, ये देखिए, चर्चों को तो आके घुस के ऐसे मतलब बाइबल को फाड़ के फेंक देते हैं जैसे एक पवित्र बाइबल कोई ग्रंथ ना हो के कोई नावल या आम किताब है। पादरी को ऐसे पीटने लग जाएंगे अंदर आने के बाद जैसे वो एक पास्टर ना हो, एक आम किसी गली का व्यक्ति हो। अब आप बताइए, चर्चों में घुस के ये इतनी हिम्मत कर जाते हैं आरएसएस वाले, बजरंग दल वाले, मैं चैलेंज देता हूं उनको। तो आप लोग इस पे आंदोलन नहीं कर रहे हैं, मुद्दा नहीं उठा रहे हैं? आंदोलन, बताइए, एक बार बताइए, सरकार के पास जाते हैं, सरकार नहीं सुनती। यमुनानगर के अंदर अभी ऐसा ही एक मामला हुआ था, चर्च के अंदर से डीएसपी पादरी को घसीटता हुआ बाहर ला रहा है। मैंने उससे, डीएसपी से पूछा, एक बार बताइए डीएसपी साहब, जो हिम्मत आपने चर्च में आके आज करी है, उस हिम्मत को किसी गुरुद्वारे में करके दिखाना ना, किसी गुरुद्वारे ग्रंथी को। मैंने ये भी देखा है साहब कि कभी ये लोग मस्जिद में जाके ऐसा नहीं करते, करके जहां सीधा समुदाय है, ईसाई समुदाय, उनके बीच में, क्योंकि मैं खुद भी क्रिश्चियन कॉलेज से पढ़ा हूं, मैं समझता हूं उस चीजों को। देखिए, आप बताइए, आप बता रहे क्रिश्चियन, मैं कहता हूं एक बात है, एक बात पे रहे, ये जो लोग कहते हैं क्रिश्चियन लोग बुरे हैं, एक बात पे मान के चले, अगर ये कहते हैं हम बुरे हैं, अरे तो भाई हमारे क्रिश्चियन स्कूलों में अपने बच्चों को क्यों पढ़ा रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल। और अगर हम बुरे हैं तो अपने लोगों को वहां नौकरी के लिए फॉरेन में क्यों भेज रहे हो? वहां तो इनके लिए बाप है क्रिश्चियन, यहाँ उनके लिए बुरे हैं। अरे भाई, एक चीज पर चलो ना, बुरे, और देखो आप बुरा ना मानना, कई तो क्या इसी तरह हिंदू राष्ट्र बनेगा? अरे कमाल है, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं। एक बात बताइए, हिंदू राष्ट्र को बना के ये क्या चाह रहे हैं? क्या हिंदू राज बनाने के बाद जो हमारे मोहम्मद भाई यहाँ पर इंडिया में रहते हैं
उनको बाहर निकाल देंगे, जो सिख भाई हैं उनको इस इंडिया से बाहर निकाल देंगे, या जो क्रिश्चियन है उनको यहाँ से बाहर निकाल दें। एक बात बताऊं मैं, ये जो इंडिया के अंदर ऐसा कर रहे हैं ना, इनको अभी ये नहीं पता यहाँ कुछ भी करने के लिए राज्यसभा में अगर कोई काम करना है तो वहां से इनको प्रस्ताव पास कराना पड़ता है संसद में। आपको क्या लगता है इन सब के पीछे किस सरकार का मेन समर्थन हो सकता है? बीजेपी सरकार, बिना सरकार के समर्थन के कोई भी काम नहीं हो सकता। आरएसएस के एजेंडे पर भारतीय जनता पार्टी चल रही है। आरएसएस के, आपका आरोप है कि आरएसएस के एजेंडे के द्वारा ऐसा हो रहा है, आपको डर नहीं लगता? नहीं, डरना किस चीज का है? बाइबल के अंदर 365 बार लिखा है मत डर मत डर मत डर। डर किस चीज का है? एक बार बताइए, मौत जो आदमी जिंदा है उसे मरना जरूर है, और मौत की तारीख तो पैदा होने से पहले लिखी जा चुकी होती है। जिस दिन मरना है उसको कोई रोक नहीं सकेगा, और जिस दिन मरना नहीं है वो मौत कोई सी भी आ जाए वो आ नहीं सकती। अभी आरोप लगा रहे हैं कि लालच देकर धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, आप बताइए, आप ये जांच कराइए, जबरदस्ती कर रहे हैं। अभी हापुड़ का मामला है, पास्टर महेंद्र को और उनकी पत्नी सीमा को क्या क्या गिरफ्तार कर लिया आरोपों में, और परेशान कर रही है पुलिस। अकेले महेंद्र ही नहीं है, ना जाने कितने महेंद्र हैं बेचारे जिन पर उत्तर प्रदेश में ये हुआ है, कितने ही महेंद्र हैं जिन पर छत्तीसगढ़ में मुकदमे हुए, कितने ही महेंद्र हैं जहां पर इनकी बीजेपी की सरकार में उन पर मुकदमे दर्ज हुए। अकेला ये महेंद्र नहीं है बेचारे, कई महेंद्र हैं, कई महेंद्रों की पत्नी है जो धक्केकारी है, उनके बच्चे हैं जो बेचारे। इनको समस्या क्या है ईसाई धर्म से? मुझे समझ ही नहीं आया समस्या क्या है। एक बात बताएं, कोई भी बात होती है देखिए उसको आमने सामने टेबल पे बैठे कि भाई ये तो हो भाई, आपको आपको परेशानी क्या है? भाई क्रिश्चियन समाज के सत्संग से परेशानी है या उनके धर्म परिवर्तन से परेशानी है? अगर सत्संग से परेशानी है तो वो गलत है, और अगर धर्म परिवर्तन से परेशानी है तो क्यों परेशान हो रहे हैं? जब एक एंटी कन्वर्जन लॉ जहां पर लागू हो जाता है वहां पर एक आदमी को सरकार की तरफ से एक अधिकार मिल जाता है कि वो अपनी मर्जी से अपना धर्म परिवर्तन करा सकता है। बिल्कुल, मैं अगर दिन में चाहूँ 4 दफा धर्म परिवर्तन, बिल्कुल सही बात, मुझे कोई रोक ही नहीं सकता। जब धर्म परिवर्तन तो सरकार कराती है, कोई पादरी थोड़ी धर्म परिवर्तन करा सकता है। जब तक डीएम की मोहर नहीं लगेगी, अगर वो डीएम नहीं, ये दूसरों को बोलते धर्म परिवर्तन करा रहे। वहीं सीमा हैदर का मामला भी आपने देखा होगा, एक मुस्लिम लड़की हिंदू रिलीजन में है, वो धर्म परिवर्तन नहीं है क्या? आप बताइए, सीमा को जब यहाँ इंडिया में लाए तो ये तो अपनी वाहवाही लूटना चाह रहे थे उस केस से कि भाई देखिए मुसलमान को एक हिंदू अपने धर्म में ले आया। बिल्कुल, लेकिन अब क्या वो धर्म परिवर्तन नहीं है? अब जब उसके राज खुले हैं तो अब चुप बैठे हैं, अब बोले ना कुछ, अब क्यों नहीं बोल रहे हैं? उस समय तो अपनी वाहवाही लूटने के लिए ये सोच रहे थे कि हमारे हमें एक मुद्दा मिल गया, भाई देखिए हमारा एक हिंदू जो है मुसलमान लड़की को इंडिया में ला के तो हिंदू बना दिया। लेकिन वो तो हैदर, ये तो शुक्र है कि मामला खुल गया, नहीं तो हमारे भारतवर्ष के पता नहीं क्या क्या चीजें लीक होनी थी और इस देश के साथ पता नहीं क्या होना था। तो कुल मिलाकर ये हिंदुओं के नाम पे राजनीति कर रहे हैं, कतई राजनीति कर रहे हैं, टोटल की टोटल राजनीति कर रहे हैं, और इस राजनीति का इनको अपने आप पता चलेगा आने वाले समय में। देखो ऊपर वाला तो है ना, उससे बड़ी तो जब ये हिंदुओं के नाम पे राजनीति कर रहे हैं। अभी किसी ने कहा था कि अगर पेट्रोल मुस्लिम 90 रुपए में खरीद रहा है तो हिंदू भी खरीद रहा है, तो भाई हिंदू अगर स्पेशल है तो उनके लिए बिजली के बिल में छूट होनी चाहिए। और देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, कमाल की बात देखिए सरकार की, कि ये बिजली की छूट की बात, कुछ प्रदेशों में जो वहां मुख्यमंत्री बने हैं उन्होंने बिजली माफ कर दी है। बिल्कुल, दिल्ली में केजरीवाल जी ने बिजली माफ करी, पंजाब में माफ करी, इन्हें वहां भी दुख रहा है। एक बात बताओ, अगर एक प्रदेश के अंदर बिजली माफ हो सकती है तो ये तो कॉमन सेंस की बात है कि सभी प्रदेशों में हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, वो को अपनी जेब से थोड़ी देंगे बिल, सरकार से पैसा आता होगा तभी तो वो माफी दे सकते हैं। और कभी ये ईसाई समुदाय के लिए कुछ अनुदान वगैरह कुछ स्कीम सरकारी नहीं निकालते क्या आप लोग? मैं कह रहा हूँ ये क्या स्कीम निकालेंगे जी, हिंदुओं के लिए बहुत सारी स्कीम है, कन्या योजना, तमाम योजनाएं। मैं हमारे जो क्रिश्चियन समाज के लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह को मानने लगते हैं, आज सबसे बड़ी ताज्जुब की बात बताऊं, जबकि उन्हें अगर माइनॉरिटी का सर्टिफिकेट बनवाना है तो उनका डीसी चक्कर लगवा लगवा के ही परेशान कर देता है। जबकि एक लॉ है, अगर एक आदमी डीसी के पास पेश हो रहा है और कह रहे हैं भी मैं हिंदू धर्म से था या मुसलमान धर्म से था या सिख धर्म से था, मेरे जीवन में यीशु मसीह ने यह चमत्कार किया है, मैं अपनी मर्जी से धर्म बदल रहा हूँ, तो उसके लिए भी फिर किस फॉर्मेलिटी की जरूरत है भाई? जब वो आदमी खड़े होकर कह रहे हैं मैं अपनी मर्जी से कर रहा हूँ और ये आर्टिकल 25 के अंदर आजादी है, आप उसके साइन करो, मतलब उसके साइन भी नहीं करेंगे, यानी उसको हरासमेंट कर देंगे, हार के आदमी घर बैठ जाए कह रहे ये काम तो हो नहीं रहा, मैं क्या करूँ? अब बताइए, उन्हें पता कर माइनॉरिटी का सर्टिफिकेट बन जाएगा, एक तो ये आंकड़ों में आ जाए। अब देखिए सबसे बड़ी ताज्जुब क्या हुआ बताऊँ,
आज से 20 साल पहले भी सरकारी खाते में हम 2% थे। और अभी बीच में मैं आपकी बात काट रहा हूँ, माफ करिए, मेरा जो अनुभव मैं आपके साथ रख रहा हूँ, अभी बीच में मैं एक दुकानदार जो कि एक मंदिर के पास दुकान लगाए थे, वो जाति से ब्राह्मण थे, मैं सभी ब्राह्मणों को नहीं बोलता, लेकिन उनकी मैंने स्पेशल राय ली चैनल से अपने, तो उन्होंने कहा ईसाई धर्म परिवर्तन कराते हैं। जब मैंने दूसरा पूछा कि आपके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, उन्होंने कहा पास के क्रिश्चियन स्कूल में, तो मैंने कहा कि आपके बच्चों का धर्म परिवर्तन आगे चल के हो सकता है अगर आप उनको आरोप लगा रहे हैं, क्या ऐसा आपके मन में संदेह नहीं आता? तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। मैं आपसे एक बात कहना, तो ये इस तरह की गंदी राजनीति क्यों देश में खेली जा रही है? अमित जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा विद प्रूफ, आपका कोई ना कोई रिश्तेदार फॉरेन में जरूर होगा, उसको आज आप मेरे, बिल्कुल बिल्कुल कई दोस्त है हमारे, मेरा निवेदन है कि आज रात को जब फ्री हो, जब भी मतलब आपसे फोन पे बात हो, उससे ये पूछना कि जब तू भारतवर्ष को छोड़ के इंग्लैंड में जाके वहाँ एयरपोर्ट पर उतरा था, तो उतरते ही वहाँ तो क्रिश्चियन ही है, क्या उतरते ही तेरे ऊपर ये कंडीशन रखी थी कि भाई जब घुसने देंगे शहर में पहले ईसाई बन? चलो अंदर घुस भी गया होगा, जब वहाँ पर उस व्यक्ति ने बिजनेस करना शुरू किया होगा या वहाँ नौकरी शुरू की होगी, तो वहाँ पर भी ईसाई होगा, उसने कंडीशन रखी पहले ईसाई बन तब नौकरी देंगे, और चलो वो भी छोड़ो जब उसके बच्चे पैदा हो गए होंगे वहां रहते हुए और बच्चों का एडमिशन कराने वहां स्कूल में गया, वहां भी ईसाई थे, तो उन्होंने एक शर्त रखी थी कि इन बच्चों को पहले ईसाई बना तब एडमिशन देंगे। अरे भाई, जहां पर रहते ही क्रिश्चियन है, पूरी मेजोरिटी क्रिश्चियन हो गया, वहां किसी का धर्म परिवर्तन नहीं करा, इस भारतवर्ष में क्या धर्म परिवर्तन करा? ये गंदी राजनीति सिर्फ भारत में देखने को मिल रही है, भारत में मुझे समझ नहीं आ रहा। और इनको ये नहीं पता है हमारे भारतवर्ष में तो कोई कानून बनाने के लिए, कुछ करने के लिए प्रस्ताव पास होता है, हमारे तो एक ही है पोप है। अगर वो ये बात कह दें कि भाई जितने भी भारतवर्ष से हिंदू या मुस्लिम या सिख आए हुए हैं हमारे फॉरेन में अलग अलग जगहों पे, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अमेरिका, वो जितने भी हिंदू या मुस्लिम सिख है उन्हें वापस इंडिया में भेज दो, तो क्या हाल हो जाएगा? तहलका मच जाएगा। जिन्होंने अपने घर बार बेच के, जमीनें बेच के अपने बच्चों को बाहर भेजा हुआ है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़, बिल्कुल बिल्कुल, वो इनके कपड़े फाड़ देंगे, क्या ये उनको रोजगार दे देंगे? बिल्कुल नहीं। इस भारतवर्ष के अंदर सरकारी नौकरी है, नौकरियां नहीं है देश के अंदर, नौकरी तो दे नहीं पा रहे, जो लोग नहीं दे पा रहे, अपने परिवारों को पाल रहे वहां के, उनसे भी उनकी इस चीज को भी ये छीनना चाहिए, क्या चाह रहे हैं ये हिंदू मुस्लिम करते करते अब हिंदू ईसाई कर रहे हैं मुझे ये। और मैं देख रहा हूँ गोदी मीडिया भी इस पर मौन है टोटल। अभी सुशांत सिन्हा भी गए हुए थे, वहाँ पर बाइबल मिल गई तो उन्हें तकलीफ हो गई, अब ये उसके बारे में क्या बोलेंगे आप? ज्यादा न्यूज एंकर सुशांत सिन्हा के बारे में पूछ रहा हूँ, उन्हें ड्रॉ के अंदर एक होटल के अंदर बाइबल मिल गई तो उन्हें तकलीफ हो गई। देखिए ये तो अमेरिका के अंदर की बात ये है, तो सिन्हा साहब जाने कि उस बाइबल ने उन्हें ऐसा कौन, और उन्होंने उस बाइबल पे इतना मुद्दा बना दिया कि मैंने देखा उन्होंने ईसाइयों की भावनाओं को हत किया, लेकिन फिर भी ईसाई समुदाय ने एक भी पर्चा, एक भी मुकदमा दर्ज नहीं कराया एंकर के खिलाफ। अमित जी, आप ताज्जुब कर जाएंगे, इस दुनिया का सबसे बड़ा गुरुद्वारा वाशिंगटन में है, अमेरिका के अंदर 223 मंदिर हैं, बिल्कुल मंदिर, अगर ये वहां पर हिंदू धर्म से नफरत करें तो क्या मंदिर बनने देंगे? हमारे तो यहाँ चर्च का अगर नक्शा भी पास करवाना हो तो कमेटी नक्शा पास नहीं करती है, और किसी ऐसी जगह पर चर्च बन रहा हो जो ऑलरेडी पहले मकान बने हुए हैं, दुकानें बनी हुई हैं, उनको कोई नहीं छेड़ रहा है, जहाँ किसी चर्च की नींव भी डलनी शुरू होगी वहाँ आके कमेटी वाले खड़े हो जाएंगे, अरे भाई इसका नक्शा पास नहीं, कैसे बनानी शुरू करो? अरे मेरे भाई, ये जो इससे पहले यहाँ दुकान बने हुए थे, मकान बने हुए थे, रिश्तेदार थे क्या ये? जब उन्होंने उनको तुम रोकने नहीं आए तो ये तुम्हें क्या परेशानी करेगा? मतलब एक भी चीज ऐसी नहीं है जहाँ पर ये दिखाई दे रहा हो यार हमसे पता नहीं, समझ नहीं आता। ये तो बता दें कि हम जो प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं उन लोगों में बुराई क्या? चलो मैं इनकी बात मान गया, चलो धर्म परिवर्तन जब किया नहीं, चलो मैं इनकी बात पे फूल चढ़ाता हूँ। मान लो मैं आप हैं, आप एक शराब पीते थे, आप एक बहुत गंदे व्यक्ति थे, और आपको किसी ने कहा यार अमित जी आप चर्च में आपके लिए प्रार्थना कराएंगे तो आपकी चीज़ें छूट जाएंगी, पहले तो आप सोचिए हंसी उड़ाएंगे, ऐसा कैसे हो सकता है यार, जब मेरी कैसे छुड़वा दें? लेकिन आप चर्च में आना शुरू हो जाएं और आपके लिए प्रार्थना, लेकिन ये तो आरोप लगाते हैं चर्च के अंदर वाइन पिलाई जाती, ये तो उल्टा आरोप लगाते हैं, इतनी गंदी राजनीति। ऐसा होता है हमारे यहाँ प्रभु भोज होता है जो हर महीने के पहले रविवार को, पहले हफ्ते में होता है, वो प्रभु भोज एक अंगूरों का रस होता है जिसको प्रभु यीशु मसीह जब अंतिम समय में थे तो उन्होंने कहा था ये मेरा लहू है इसे तुम पियो, और जो रोटी तोड़ के गए थे ये तो उसके बारे में ये भी बदनाम करते हैं कि चर्च के अंदर गाय का मांस खिलाया जाता है। देखिए ये कितनी जलालत की बात है, आज अगर आप ऑन रिकॉर्ड निकालें नहीं, तो अंधभक्तों के अनुसार सिख जो हैं वो खालिस्तानी हैं,
ईसाई धर्मांतरण कराते हैं और मुस्लिम आतंकवादी हैं, ये हमारा चैनल नहीं कह रहा, अंधभक्त कह रहे हैं, अंधभक्तों के अनुसार। अब आप ये देखिए अमित जी, इन्हीं के धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, वो तो हर जगह कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, उनको कोई बैन नहीं है। खालिस्तान अगर कह रहे हैं हम खालिस्तान बनाएंगे तो उनके ऊपर परेशानी है। कल को हम अगर आवाज उठा दें हमारे लिए ईसाई स्थान बनाओ, उठा के हम अंदर कर देंगे उसको, धीरेन्द्र शास्त्री को फिर कुछ नहीं कह रहे हैं। अरे भाई कानून तो सबके लिए बराबर है ना, ये थोड़ी के एक आदमी जो मर्जी गलत बोलता है उसको। चलिए छोड़िए, इस मुद्दे को हटाते हैं, मणिपुर के मुद्दे के लिए आप क्या कहते हैं? मणिपुर में जो कुर्की समुदाय के लोग थे, कुकी समुदाय, दो महिलाओं को निवस्त्र करके अभी घुमाया गया था हाल का मामला, उस पर अंधभक्त और तमाम खुद को बड़े बड़े संगठन कहने वाले कट्टरपंथी संगठन मौन है, उसके बारे में क्या कहेंगे? मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि देश का जो प्रधानमंत्री होता है वो अकेले किसी पार्टी से नहीं होता है, देश का प्रधानमंत्री 36 बिरादरियों का नेता होता है। लेकिन प्रधानमंत्री तो वहां गए नहीं, जनता आरोप लगा रही, धरने हो रहे हैं जगह जगह। प्रधानमंत्री जी को मणिपुर जाने का समय नहीं था, उसके अलावा और स्टेटों में तो जाके इनके पास जाने का समय था, वहां की बातें सुनने का समय था, उनकी बातें करने का समय था। बड़े दुख की बात है कि अगर चलो अमित शाह गए थे, गृह मंत्री हैं, चलो ये कहा जा सकता है भी खाना पूर्ति के लिए गृह मंत्री गए, लेकिन ये तो बताएं कि वो गृह मंत्री जी 3 दिन में रह के आए, उस रहने के वहाँ से आने के बाद लॉ एंड ऑर्डर सुधरा या बिगड़ा, वहाँ पर जुर्म कम हुए या और ज़्यादा बढ़े? अगर उनके जाने के बाद जुर्म ज़्यादा बढ़ा है वहाँ पर और ऐसा ऐसा कांड होगा कि लोगों की इतनी हिम्मत खुल गई, तो मैं कहना तो नहीं चाहता लेकिन कहे बिना रुका भी नहीं जा रहा। ये तो ऐसे लग रहा है जैसे उनको छूट दी गई हो कि तुम जो मर्जी कर देना। वहाँ पे काफी चर्चेस भी सुना है जला दिए गए, क्योंकि मणिपुर क्रिश्चियन शहर है, क्रिश्चियनों का गढ़ है मणिपुर, वहाँ पर अधिकतर चर्चेस को इन्होंने जला दिया और मौन है वहाँ की सरकार भी। 265 चर्च हैं जिनको जलाया गया, तो उसके लिए आपके किस सरकार का समर्थन है वहाँ पे? एक मुख्यमंत्री के बारे में आप क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री को तो इस्तीफा दे ही देना चाहिए था अपने आप, लेकिन वो कह रहे हैं हमसे कोई मतलब नहीं है। 170 व्यक्तियों को मार दिया गया, न जाने कितने बेघर हो गए घरों में, मतलब किस तरह से वो रह रहे हैं। चलो शायद मैं अगले हफ्ते मणिपुर जा रहा हूँ, लेकिन अभी से सुनने में ये आ रहा है तो सोच रहा हूँ मैं कैसे उस सीन को देख पाऊँगा जो वहाँ जाके देखना पड़ेगा, अभी किस तरह से वो लोग जिनके अपने छिन गए, जिनका कोई दोष नहीं था। बताइए क्या प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले का ये दोष है कि वो यीशु मसीह को मानता है? या एक क्रिश्चियन परिवार में पैदा होने वाले का ये दोष है कि ईसाई परिवार में पैदा हुआ है? मेरे भाई किसी भी ढंग से किसी भी बात में कंपैरिजन कर लो इस इंडिया के अंदर। अच्छा, बहुत बहुत स्वागत रहा आपका प्रेस क्लब न्यूज़ चैनल में। तो साथियों, आप देख रहे थे प्रेस क्लब न्यूज़ और हमारे साथ आज इंटरव्यू में जुड़े हुए थे प्रदीप मसीह गुलाटी जी, जो कि हरियाणा के अम्बाला से हैं। और आप भी बताएं कि क्या मसीह समाज पर, जो अदर समुदाय के लोग भी हमारे चैनल में जुड़े हैं वो भी कमेंट करके बताएं कि क्या मसीह समुदाय के लोगों पर जुल्म करना सरकार के लिए अच्छा है, या सरकार वाकई एक समुदाय को टारगेट कर रही है सिर्फ चंद अंधभक्तों को खुश करने के लिए। ब्यूरो रिपोर्ट प्रेस क्लब न्यूज़ से कैमरा पर्सन अभिषेक मिश्रा के साथ संवाददाता अमित सिंह की रिपोर्ट।